राजसमंद के अमीर नगर निवासी देदाता डॉक्टर मदन लाल जांगी का आज 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। डॉक्टर मदन लाल का जोधपुर में बेटी के घर रह रहे थे और आज अंतिम सांस ली। डॉक्टर डांगी ने शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में समाज सेवी के रूप में काम किया। जीवित रहते ही डॉक्टर डांगी ने मृत्यु पश्चात बॉडी को देहदान करने की घोषणा की थी, जिस पर आज निधन बाद जोधपुर के पैतृक अमेठ लाई गई, जहां जैन समाज सहित कई गणमान्य लोगों सहित स्कूली बच्चों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कुछ देर रुककर शव को उदयपुर ले जाया गया, जहां आरएनटी मेडिकल कॉलेज को देहदान हेतु सुपुर्द किया गया। डॉक्टर डांगी के एक पुत्र सुनील की मृत्यु होने पर शिक्षा के तौर पर सुनील बाल निकेतन विद्यालय खोला, वहीं चिकित्सा के कई निःशुल्क शिविर लगाकर जनसेवा का कार्य किया। जैन समाज में एक विभूति तौर पर जाने गए। पापा जी ने अपनी एक अंतिम इच्छा रखी थी कि मेरी जो विदाई है वो एक बार आमेठ से, मैं जहाँ कहीं पे भी हूँ आमेठ से, और मुझे जो भी स्कूल से होते हुए मुझे मेरी अंतिम विदाई की जाए, और उन्होंने अपनी इच्छा से अपनी बॉडी को डोनेट करने के लिए हम लोगों को सभी को मनाया, जिसके लिए हम कभी भी तैयार नहीं थे, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा को हमने ध्यान में रखते हुए ये स्वीकार किया कि उनकी अंतिम इच्छा पूरी की जाए। आज उदयपुर मेडिकल कॉलेज में उनकी बॉडी को हम डोनेट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत समाज का एक भाई है यार, जो वजन जी नहीं उसके बाद देह दान कर रहे हैं, इसको लेकर जिस तरह से आदरणीय डांगी साहब ने अपना जीवन शिक्षा और चिकित्सा के नाम कर दिया था, अंतिम समय में भी उन्होंने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है देहदान करके, जो युवक अमेठ के लिए नाम रोशन करता रहेगा। आज पूरे अमेठ के क्षेत्र के लिए ही नहीं, वन पूरे मेवाड़ और राजस्थान के लिए क्षति हुई है कि जो एक चिकित्सा और शिक्षा के लिए नाम जाना जाता था डॉक्टर डांगी साहब का, उसका अंत हो गया। विशेष योगदान क्या है? विशेष योगदान चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने सर्जरी में अपना संपूर्ण जीवन अलग अलग क्षेत्रों में राजस्थान के सेवा देकर उन्होंने अर्पण किया, और अंतिम समय में जब रिटायरमेंट हुए तो उन्होंने आमेर क्षेत्र को चुना कि मेरा अपना क्षेत्र है, मेरा घरेलू क्षेत्र है, वहाँ पर चिकित्सा की कमी है, क्यों नहीं मैं आमेठ में रहकर इस कमी को पूरा करूँ, जिस कारण से आज अंतिम समय तक वो आमेठ में रहते हुए चिकित्सा क्षेत्र में उन्होंने अपना पूर्ण योगदान दिया।